तो नमस्कार अभिनंदन आभार दोस्तों, मेरा नाम है मोनू चौधरी और आप देख रहे हैं जिंदगी 0 किलोमीटर। मेरे हाथ में कुछ कागजात देख करके आप ये कहेंगे कि क्या मैं यहाँ कोई वकालत करने आया हूँ। जी हाँ, मैं यहाँ वकालत ही करने आया हूँ। आपने जो सवालों के मुकदमे मुझ पर दायर किए थे, आज मैं उनका जवाब देने वाला हूँ हमारे उसी एपिसोड में जिसने हमने आपसे कहा था कि हम एक नया एपिसोड चालू करेंगे जिसका नाम होगा हम तो पूछेंगे, और उसमें आपके कमेंट्स के, ज़्यादातर कमेंट्स के जवाब दिए जाएंगे। तो चलिए बिना टाइम फोड़े मैं वीडियो को शुरू करता हूं। तो सबसे पहला कमेंट है ज्योति शर्मा का, पूछती है कि सर मेरी पीरियड डेट 1 को थी, उसके बाद 14 दिन बाद संपर्क में आए, 10 तारीख को थी, लेकिन डेट हमने होम टेस्ट किया, प्रेगनेंसी टेस्ट किया, लेकिन प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव आया और हमें पीरियड अब तक नहीं आया है। तो आप थोड़ा वेट कीजिए, अगर प्रेगनेंसी आपको नहीं है तो हो सकता है कि हार्मोनल चेंजेस हों तो उसकी वजह से पीरियड रुक गया हो, तो आपको पीरियड आ जाएगा। अगला कमेंट है समीना बानो का, पूछती हैं कि लेफ्ट ओवरी इज बल्की विद क्लियर सिस्ट 2.6 × 2.3 सेंटीमीटर, सी ने लेफ्ट ओवरी में पहले के रिजल्ट में अब दवा लेने के बाद में 6.7 mm हो गया है, तो क्या सही हो गया है ना भाई, प्लीज बताइए। जी हाँ, बिल्कुल सही हो गया है। आप दवा खाती रहिए, ये सिस्ट खत्म हो जाएगी, और जैसे ही सिस्ट खत्म होती है आपको प्रेगनेंसी लगने में इतनी ही ज़्यादा संभावना बढ़ जाएगी। अगला कमेंट है सागर पाटिल का, पूछते हैं कि हाय बड़े भाई, पीरियड खत्म होने के कितने दिन बाद संबंध बनाए प्रेगनेंसी होने के लिए, 5 दिन हो गए हैं, प्लीज़ रिप्लाई मी। पीरियड खत्म होने के 14 से 19 दिन बाद, अगर आपका पीरियड शुरू हो रहा है उसको पहला दिन मानिए और उसके 14 से 19 दिन तक आप रिलेशन बनाइए तो समय में प्रेगनेंसी हो जाती है। अगला कमेंट है पूजा का, पूछती हैं कि सर मुझे 38 × 18 × 34 mm की सिस्ट है, तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ये छोटी छोटी सिस्ट है आपके पीरियड पर बन जाती हैं और जैसे ही आपका पीरियड आता है तो उसमें डिजॉल्व हो जाती हैं, वो ख़त्म हो जाती हैं। अगला कमेंट है रॉकी रोशन का, पूछते हैं कि सर मेरी शादी को 2 ईयर्स हो चुके हैं पर अभी तक मेरी पत्नी प्रेग्नेंट नहीं हुई है, तो कोई ऐसा उपाय बताइए। जी आप ओवुलेशन ट्रैक करें, ओवुलेशन टाइम पर रिलेशन बनाएं तो आपको प्रेगनेंसी की सबसे ज़्यादा संभावना होगी। अगला कमेंट है वो है सत्यम सिंह का, पूछते हैं कि सर पीरियड 16 दिसंबर को आया था, इसके बाद नेक्स्ट पीरियड 15 दिन लेट हो गए हैं, 1 नवंबर को आया, सिर्फ 2 दिन के लिए 9 नवंबर को दोबारा आ गया, सर को समझ नहीं आ रहा है। जी उनको प्रेगनेंसी है, आप एक बार टेस्ट करके देखिए, आप किसी नज़दीकी डॉक्टर पर उनका अल्ट्रासाउंड करवाइए, तो आई थिंक उनको 95% तो प्रेगनेंसी के चांसेस हैं। अगला जो कमेंट है वो है गौरव कसाना का, पूछते हैं कि सर मेरा बच्चा खराब हो गया था तो क्या मैं फिर से प्रेग्नेंट हो सकती हूँ, मुझे बेबी चाहिए। जी अगर आप बच्चा खराब हो गया है और अभी रिसेंटली आपका एबॉर्शन हुआ है तो आप कुछ दिन वेट कीजिए, लगभग 1 साल का, उसके बाद ही ट्राई कीजिएगा। सॉरी अगला कमेंट है सुमित्रा स्वेन का, पूछती हैं कि सर प्लीज़ रिप्लाई कीजिएगा, 2 मंथ हो गया है बेबी प्लान कर रहे हैं लेकिन पीरियड मिस होने की 7 दिन बाद पीरियड हो जाती है, मैं बहुत टेंशन में हूँ, प्लीज़ कोई सॉल्यूशन बताइएगा। अगर पीरियड मिस होने के 7 दिन बाद पीरियड अगर आपको आ जाता है तो आप जैसे ही आपका पीरियड मिस होता है तो आप उसी दिन टेस्ट करके देखिए, हो सकता है कि आपको प्रेगनेंसी लगी और वो निश्चित टाइम के बाद में खराब हो रही हो। अगला कमेंट है दीपक पांचाल का, पूछते हैं कि सर जिस लड़की की हाइट 4.1 है, जिसका वेट 37 है और खून की भारी कमी हो, कुपोषित है, क्या ऐसी लड़की प्रेग्नेंट हो सकती है? जी नहीं, ऐसी लड़की प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। अगला कमेंट है दीपू रावत का, वो पूछते हैं कि सर मेरी बीवी को सर मेरे पीरियड की कभी कभी अलग अलग टाइम से आता है, कुछ मंथ में सेम टाइम से आने लगा था, सर मेरी शादी को अभी 4 महीना हुआ है, 4 महीने से सेम टाइम पर आने आता है, पहले की डेट 23 पर होता था बट पिछले मंथ से 4 अक्टूबर हुआ है, तो इस मंथ आज 10 को हुआ है, तो पीरियड नहीं आया है, तो क्या मुझे प्रेगनेंसी टेस्ट कर लेना चाहिए? जी हाँ, आपको प्रेगनेंसी टेस्ट कर लेना चाहिए, आप प्रेगनेंसी टेस्ट करके देख सकती हैं, हो सकता है कि आपको प्रेगनेंसी लग गई हो। अगला जो कमेंट है वो है अल्ताफ आलम का, पूछते हैं कि सर मैं MC हुई थी 18 सितंबर को और आज 10 नवंबर है, अभी तक MC नहीं हुई है और मुझे दो दिन से हल्की हल्की ब्लीडिंग सी हुई है, तो क्या प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव आता है तो क्या प्रेग्नेंट हूँ? जी अगर आपका प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव आता है और आपको हल्की हल्की 2 दिन ब्लीडिंग हुई है तो आपको आपके ब्लड की कमी है, उसकी वजह से पीरियड नहीं आता है, तो आप थोड़ा वेट कीजिएगा, प्रेगनेंसी नहीं है, पीरियड टाइम से रेगुलरली जैसे ही आप में ब्लड की कमी पूरी होगी आ जाएगा।
अगला कमेंट है पूजा चौधरी का, पूछती हैं कि सर मेरी वाइफ का पीरियड 28 अक्टूबर को हुआ था तो कब रिलेशन बनाने चाहिए? 28 अक्टूबर को हुआ है तो आपको 8 से 14 तक रिलेशन में रहना चाहिए। अगला कमेंट जो आया है वो है पंकज कुमार का, पूछते हैं कि हेलो सर नमस्ते, मुझे पीरियड के बारे में ये बात करनी है कि मुझे पीरियड चढ़कर आता है तो क्या ओवुलेशन का कैसे पता लगेगा? अगर आपको एक निश्चित टाइम के बाद चढ़कर के पीरियड आता है, मान लीजिए हर बार 7 दिन चढ़कर के आता है, 6 दिन चढ़कर के आता है, 5 दिन चढ़कर के आता है, तो आप ओवुलेशन का किट से पता लगा सकती हैं। जिस डेट को आपको पीरियड आता है उसके 14 दिन पहले आपको ओवुलेशन होता है। अगला जो कमेंट है वो है पूजा कुशवाहा का, पूछती हैं कि 4/1/2019 को आया है, मुझे कब संबंध बनाना चाहिए? अगर आपको 4 को आया है, 4/11 को आया है, तो आपको 15 से लेकर के 21 तक रिलेशन में रहना चाहिए। अगला जो कमेंट है वो है सरिता राजपूत का, 25 दिन ऊपर हो गए हैं, पीरियड नहीं आया है, टेस्ट भी नेगेटिव दिखा रहा है, क्या करें? अगर ऐसी स्थिति है कि 25 दिन ऊपर हो गए हैं, पीरियड नहीं आया है और टेस्ट भी नेगेटिव दिखा रहा है, तो आप थोड़ा वेट कीजिए, हो सकता है कि खून की कमी हो या फिर हार्मोनल चेंजेज हो गए हों जिनकी वजह से पीरियड नहीं आया हो, तो आई थिंक यू शुड वेट। अगला जो कमेंट है वो है ज्योति शर्मा का, मेरी पीरियड साइकिल 26 दिन की है तो ओवुलेशन टाइमिंग क्या होगी? अगर आपकी पीरियड साइकिल 26 दिन की है तो आपका ओवुलेशन 90 दिन से और लगभग 14वें दिन के बीच बीच में होगा। अगला जो कमेंट है वो है गणेश मार्कम का, पूछते हैं कि सर जी मेरी पत्नी का पीरियड 7 को है तो उसका ओवुलेशन कब होगा बताइए? अगर आपका उनका पीरियड 7 को है तो उनका ओवुलेशन 18 से और 24 के बीच बीच में होगा। अगला कमेंट है दिवाकर का, पूछते हैं कि सर मेरे पीरियड के 2 दिन बाद रिलेशन बनाया था तो क्या प्रेगनेंसी के चांसेस हैं? जी नहीं, कोई भी प्रेगनेंसी के चांसेस नहीं है। अगला जो कमेंट है वो है शीतल कुमार बघेल का, पूछते हैं कि टोटल स्पर्म काउंट 120 मिलियन है, रैपिड प्रोग्रेसिव है वो 65 है, स्लग प्रोग्रेसिव है वो 10 है और नॉन प्रोग्रेसिव है वो 5 है और जो एमोटाइल है वो 13 है। जी हाँ, आपकी रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल है और एकदम करेक्ट है। आपकी जो रैपिड प्रोग्रेसिव आ रहे हैं वो 65% आ रहे हैं, तो वो एकदम बेस्ट हैं, आपको टेंशन लेने वाली कोई भी बात नहीं है। अगला जो कमेंट आया है वो है कि जलराम खिलेरी का, पूछ रहे हैं कि सर 20 मिनट बाद चेक किया, एक ही लेन आई है तो मुझे क्या रिजल्ट मिलेगा? जी भी, अगर आपने 20 घंटे बाद चेक किया है तो आपको ठीक से रिजल्ट नहीं मिलेंगे, आप कुछ दिन का वेट करें और उसके बाद में आप टेस्ट फिर से टेस्ट करें। अगला जो कमेंट है वो आया है ओम कुमार का, पूछते हैं कि प्रेगनेंसी के कितने दिन बाद एबॉर्शन करवाना चाहिए? जी भाई बताइए, अगर आपको पीरियड अगर आपको एबॉर्शन करवाना है, अगर आपको दवाइयों से एबॉर्शन करना है तो वो 2 महीने के अंदर अंदर कर देना चाहिए, और अगर आपको वैसे एबॉर्शन करवाना है किसी भी नर्स से, डीएनसी करवानी है, तो फिर वो आप कभी भी करवा सकते हैं। अगला जो कमेंट है वो है सागर नगता का, 28 दिन का पीरियड है, 1 से 20 तक प्रेगनेंसी हो सकते हैं क्या? जी हाँ, अगर आप 1 से 20 तक रिलेशन बनाते हैं तो प्रेगनेंसी हो सकती है। अगला जो कमेंट है वो आया है अमित बोस का, सर जी 7 नवंबर को पीरियड्स हुआ है, अभी मेरा कब चांसेस है? 7 को हुआ है तो आपको 18 से और 24 के बीच में चांसेज हैं। अगला कमेंट है वो है संदीप कुमार जी का, वो पूछते हैं कि अगर पीरियड चल रहा है जिससे 3 दिनों का पीरियड 3 दिन के तो पीरियड चालू होने के बाद दूसरे दिन रिलेशन बनाने से कुछ होगा? जी नहीं, कुछ भी नहीं होगा। अगर आप ऐसी स्थिति में रिलेशन बनाते हो तो प्रेगनेंसी नहीं हो सकती। अगला जो कमेंट है वो है देव कुमार का, प्रेगनेंसी के मैक्सिमम कितना लेट हो सकता है सर यदि एज 14 हो तो? अगर आप किसी की भी एज 14 है यानी कि 14 साल है, तो अगर उस किसी भी महिला को पीरियड आना स्टार्ट हो गया है तो उसको प्रेगनेंसी के चांसेस हो सकते हैं, इसमें एज कोई भी मायने नहीं रखती है। अगला जो कमेंट है वो है प्रमोद राय का, कहते हैं कि मेरा शुक्राणु कम हो गया है, तो भाई मैंने इस पर वीडियो बनाई हुई है, इस वीडियो के एंड में आपको मिल जाएगी, वो एंड स्क्रीन में आप वहां जाकर के देख सकते हैं। अगला जो कमेंट है वो है काशिश खान का, पूछते हैं कि सर हमने पीरियड खत्म होने के नेक्स्ट रिलेशन बनाया था तो क्या प्रेगनेंसी हो सकती है? जी नहीं, उनको प्रेगनेंसी नहीं हो सकती अगर आपने पीरियड खत्म होने के नेक्स्ट डे ही रिलेशन बनाया है तो। अगला कमेंट है वो है ओम घायल नेपाली का, इनकी लैंग्वेज तो मुझे खास तरीके से समझ में नहीं आ रही है, लेकिन उन्होंने ये मुझे बताया है कि मुझे लगातार ब्लड आ गया था तो मैंने डॉक्टर से जाकर के दवाइयां ली थी, तो मैं उनसे ये कहता हूं कि आप एक बार जाकर के चेक करवाइए और चेक अल्ट्रासाउंड करवाइए, अल्ट्रासाउंड में जो स्थिति बच्चे की मिलती है उस हिसाब से उनका ट्रीटमेंट लीजिए। अगर बच्चा खराब हो गया है तो उसकी डीएनसी करवा दीजिए, दवाओं से साफ करवा दीजिए। अगर बच्चा खराब नहीं हुआ है, बच्चे में अभी हार्ट रेट बाकी है, तो आप बच्चे को बचाने की मेडिसिन लीजिए।
अगला जो क्वेश्चन है वो है डीजे खुशबू कासिब का। पूछते हैं कि सर मेरी वाइफ का पीरियड 4 को आना था बट आज 7 हो गई है, पीरियड अभी तक नहीं आया है, पेट में और कमर में वैसे ही दर्द हो रहा है जैसे पहले पीरियड में और वेजाइना में वाइट वाइट सा निकल रहा है, क्या वजह हो सकती है सर, प्लीज हेल्प मी। जी एक बात आप प्रेगनेंसी टेस्ट करके देखिए, अगर प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव आ सकता है तो ये वेजाइनल इन्फेक्शन की वजह से हो रहा है उनकी कमर में दर्द, और यूट्रस कभी कभी यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन इन्फेक्शन की वजह से भी कमर में दर्द होने लग जाता है। अगला जो कमेंट है वो है द A1 ब्रांड का। पूछते हैं कि सर एक प्रेगनेंसी किट में नेगेटिव आया था और दूसरे किट से चेक किया तो पॉजिटिव आया है सर, इसका क्या मतलब है। जी हो सकता है कि वो किट कोई ना कोई सी उनमें से एक किट जरूर खराब है, आप एक और किसी किट से टेस्ट करके देखिएगा, उस किट में जो रिजल्ट आता है वही आप मानिएगा। अगला जो कमेंट है वो है संजू नायक का। वो पूछते हैं कि सर मेरी वाइफ को 4 तारीख को पीरियड हुए थे तो मैंने 6 को रिलेशन बनाया था तो क्या वो प्रेग्नेंट हो सकती है। जी नहीं, वो प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। अगला जो कमेंट है वो है KM एडिट से। ये पूछते हैं कि सर अगर पीरियड मिस होने के 22 दिन हो गए हैं तो अपन प्रेगनेंसी टेस्ट कर सकते हैं क्या। जी हाँ, आप प्रेगनेंसी टेस्ट कर सकते हैं। अगला जो कमेंट है वो है अंकित पांडे का। पूछते हैं कि मैंने पीरियड के 15 दिन बाद पहली बार रिलेशन बनाया था प्रोटेक्शन के साथ में, पीरियड्स की डेट 2 रहती है, 7 तारीख हो गई है, पीरियड्स नहीं आया है तो क्या करें। जी डोंट वरी, उनको प्रेगनेंसी नहीं है, अगर आपने प्रोटेक्शन यूज किया है तो वेट कीजिए, पीरियड आ जाएगा। अगला जो कमेंट है वो है करण कॉन्ट्रैक्टर का। पूछते हैं कि सर अगर पीरियड की ड्यू डेट 4 से 5 दिन पहले कुछ स्पॉटिंग हुई हो तो बहुत ही कम ब्लीडिंग हुई हो तो उसे पीरियड स्टार्ट मान लेना चाहिए। जी अगर पीरियड उस समय स्टार्ट नहीं माना जाएगा, आई थिंक आपको एक बार टेस्ट करना चाहिए, प्रेगनेंसी टेस्ट। अगला जो कमेंट है वो है बबीता प्रधान का। पूछती हैं कि सर मेरा राइट साइड का ट्यूब ब्लॉक है, लेफ्ट साइड का ओपन है तो क्या प्रेगनेंसी हो सकती है। जी हाँ, आपको प्रेगनेंसी हो सकती है क्योंकि आपकी एक ट्यूब सही सलामत है, एक ट्यूब से भी आसानी से प्रेगनेंसी हो जाती है। अगला जो कमेंट है वो है नेहा बंसल का। पूछती हैं कि सर मुझे पीरियड के 2-3 दिन पहले स्पॉटिंग हुई थी तो फिर पीरियड खुल के आता है तो मेरी पीरियड की कौन सी डेट मानी जाएगी, स्पॉटिंग वाली हुई है वो, आपकी जो पीरियड खुल के आता है तभी आपकी प्रेगनेंसी डेट मानी जाएगी। अगला जो कमेंट आया है वो है राहुल धरने का। ये पूछते हैं कि ब्लड कम बट लिटिल ड्यूरिंग पीरियड अर्ली यूज टू कम फास्ट कैन बी सिम्टम ऑफ प्रेगनेंसी। अगर उनको शुरू शुरू में कम पीरियड आया है और बाद में जाकर के तेज पीरियड आया है तो हाँ जी हाँ, ये प्रेगनेंसी के सिम्टम्स हो सकते हैं, आप एक बार टेस्ट करके देख सकते हैं। अगला जो कमेंट है वो है गुप्ता धर्मेंद्र कुमार का। पूछते हैं, कहते हैं कि आपका ये वीडियो देख करके बहुत अच्छा लगा पर आपसे एक सवाल है कि मेरी पत्नी को एमसी 2 नवंबर को आया है तो हम कब रिलेशन बनाना चाहिए। आपको 13 से और 18 तक रिलेशन में रहना चाहिए। अगला जो कमेंट है वो है गोपाल प्रजापति का। पूछते हैं कि सर मैंने डिम्पा इंजेक्शन लगवाया था, 6 मंथ्स हो गए हैं, दोबारा नहीं लगवाया पर 2 मंथ हो गए हैं, एमसी नहीं आई है, क्या कारण हो सकता है, टेल मी सर। देखिए अगर आपने डिम्पा जो इंजेक्शन लगवाया है ये एक ऐसा इंजेक्शन होता है जो हमारी बॉडी में हार्मोनल चेंजेस करता है और जो एक गर्भ निरोधक इंजेक्शन है। आप इस इंजेक्शन को लगवाने के बाद में आपकी बॉडी में जो है वो हार्मोनल चेंजेस हो गए हैं। मैं आपसे कहूंगा कि ऐसी कभी भी बेवकूफ़ी ना करें, ऐसे कोई भी इंजेक्शन नहीं लगवाएं। अगर आपको प्रेगनेंसी नहीं चाहिए तो आप मल्टी लोड लगवा सकती हैं, कॉपर्टी लगवा सकती हैं, आप कोई भी ऐसा इंजेक्शन आगे भविष्य में यूज करने की कोशिश ना करें। अगला जो क्वेश्चन है वो है बेसिक एजुकेशन सेंटर से। पूछते हैं इंटरकोर्स के 5-6 दिन बाद अगर पीरियड आ जाए तो क्या प्रेगनेंसी पॉसिबल है। जी नहीं, फिर प्रेगनेंसी पॉसिबल नहीं है अगर इंटरकोर्स के बाद में पीरियड आ जाता है तो। अगला कमेंट है वो है प्रियांशु सिंह का। पूछती हैं कि सर मेरा पीरियड तो हर मंथ 2 दिन पहले ही आ जाता है, इसके लिए प्रेगनेंसी से बचने के लिए कैसे रिलेशन बनाएं। आप प्रोटेक्शन यूज कीजिए प्रेगनेंसी से बचने के लिए, प्रोटेक्शन अगर आप यूज करेंगे तो आपको प्रेगनेंसी नहीं होगी। बाकी आप ओवुलेशन टाइम भी अपना मेंटेन कर सकती हैं, आप एक बार देख सकती हैं कि कब आपको ओवुलेशन हो रहा है। अगला जो कमेंट है वो है सुमित्रा स्वेन का। वो कहते हैं कि हार्मोनल चेंजेस होने से क्या क्या होता है। सर मेरा पीरियड अक्टूबर में 3 को हुआ था, नवंबर में 7 को, मेरी कमर फुट में बहुत दुख रहा है तो क्या प्रेगनेंसी के सिम्टम्स हैं। अगर आपको 7 नवंबर को पीरियड हो गया है तो फिर आपको प्रेगनेंसी के चांसेस कहाँ से हो सकते हैं। हो सकता है कि आपको ब्लड की कमी हो, उसकी वजह से आपके हाथ पैर दुख रहे हों। अगला जो कमेंट है वो है इंजमामुल हक का। पूछते हैं कि भाई 1 मंथ 22 दिन हो गया है लेकिन पीरियड नहीं आया है, टेस्ट भी किया, रिजल्ट भी नॉर्मल आया है, अब क्या करना होगा। भाई मुझे कमेंट करके प्लीज़ बताइएगा। अगर रिजल्ट नॉर्मल है यानी कि अगर रिजल्ट नेगेटिव है तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, डोंट वरी, आप वेट कीजिए, पीरियड आ जाएगा, उनको प्रेगनेंसी नहीं है। अगला जो कमेंट है वो है रीता जाखर का। पूछती हैं कि प्रेगनेंसी किस्ट टैग किया, उसमें हल्की हल्की 2 लाइन दिखाई दे रही हैं, क्या मैं प्रेग्नेंट हूँ। जी हाँ, आप बिल्कुल प्रेग्नेंट हैं।
अगला जो कमेंट है वो है निशा चौकसी का, वो पूछती हैं कि और जहां बच्चा होता है उसके पास पानी की कमी हो तो क्या होगा। ऐसी बीमारी को हमारी भाषा में ओलिगोहाइड्रियोमनोज कहा जाता है, जिस थैली में बच्चा होता है उसमें पानी की कमी हो जाती है। तो आप किसी नज़दीकी डॉक्टर से जल्द संपर्क करें और वहां उनसे जाकर के उनकी गाइडेंस में रहें। अगला जो कमेंट है वो आया है रमेश पंडित जी का, ये पूछते हैं कि सर मेरी पीरियड साल में 2 बार नहीं आती है, अब की बार हर मंथ आते हैं लेकिन मैं प्रेग्नेंट नहीं होती हूं, ऐसा क्यों होता है। जी, अगर आपको पीरियड रेगुलर नहीं आता है तो आप किसी एक बार डॉक्टर से जाकर के मिलिए, उनसे ये जानिए कि ये पीरियड रेगुलर क्यों है, अपना हार्मोनल टेस्ट कराइए और भी कई सारे टेस्ट कराइए, उनमें आपको पता लगेगा। अगला जो कमेंट है वो है इसका व्हाट्सएप स्टेटस धीमान का, पूछते हैं कि हेलो सर, मेरे को 15 को पीरियड हुए थे, उसके बाद 25 तारीख को दोबारा ब्लीडिंग हुई, तो क्या मैं प्रेग्नेंट हूँ। जी नहीं, ये एक रेगुलर ब्लीडिंग है, अगर आपको 15 को पीरियड हुआ है और फिर आपको 25 को दोबारा से ब्लीडिंग हो जाए तो इसमें प्रेगनेंसी के कोई भी चांसेस नहीं हो सकते हैं। अगला जो कमेंट है वो है ऑल इन वन का, पूछते हैं कि सर मैंने पीरियड के दूसरे दिन रिलेशन बनाया था और तभी से पीरियड बंद हो गया, तो इसका क्या मतलब है। जी, इसका मतलब है कि उस बॉडी में रिलेशन बनाने से हार्मोनल चेंजेस हो गए हैं, थोड़ा वेट कीजिए, पीरियड आ जाएगा, नेक्स्ट साइकिल का आप वेट कर सकते हैं। अगला जो कमेंट है वो है चंद्र गुप्ता का, पूछते हैं कि सर मेरी वाइफ का पीरियड 30 अक्टूबर 2019 को आया था, सर हम कौन से दिन रिलेशन बनाए इसकी प्रेगनेंसी के चांसेस हों। तो आपको 30 अक्टूबर को अगर आया है तो आप 10 से लेकर के और 16 तक रिलेशन बना सकते हैं। अगला जो कमेंट है वो है जैस अमन का, हाय सर जी, गुड इवनिंग। जी गुड इवनिंग सर, मुझे ना 2 ऑपरेट हो गया है, 5 मंथ्स में एक ट्यूब में प्रेगनेंसी हुई थी और 9 जनवरी 2019 को सेकेंड ऑपरेट हुआ था, 7 मई को सेकेंड ऑपरेट, यानी कि अगर आपको दोनों ही ट्यूब निकल गई हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी लगने की वजह से, तो आपको प्रेगनेंसी की कल्पना करना भी छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ट्यूब ही नहीं है तो प्रेगनेंसी कैसे हो सकती है। अगला कमेंट है अफरोज आलम का, पूछते हैं कि भाई मैंने तो सुना था कि स्पर्म की जो अवधि होती है वो 72 आवर्स होती है। जी हाँ, आपने सही सुना है कि स्पर्म की जो अवधि होती है वो 72 आवर्स होती है, लेकिन वो फेलोपियन ट्यूब में स्पर्म अगर पहुंच जाता है तो। अगला जो कमेंट है वो है एज शर्मा का, इन्होंने मेरी एक मोटिवेशनल वीडियो पे कमेंट किया है और उनका कहना है कि भाई मैं थक गया हूँ इस दुनिया से, बस अब सब कुछ छोड़ना चाहता हूँ, मरने से डर लगता है, क्या करूँ, इस दुनिया में कोई क्यों नहीं जो मुझे समझ नहीं सकते हैं, प्लीज़ मे हेल्प करो। पंडित जी शर्मा जी, मैं तो आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप अगर किसी भी प्रॉब्लम में हो ना, तो मेरा तो ये मानना है कि इस दुनिया में सभी प्रॉब्लम्स का, जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, किसी ना किसी प्रॉब्लम का कोई ना कोई सॉल्यूशन जरूर होता है। उस सॉल्यूशन को ढूंढने के लिए आपको जरूरत होती है तो सही दिशा में जाने की, तो आप सही दिशा से कहीं ना कहीं भटक गए हैं, तो प्लीज आप सही दिशा में जाइएगा, ऐसी उठपटांग बातें अपने दिमाग में मत लाइएगा, आई रिक्वेस्ट यू, और आपको एक सही दिशा में जाने की जरूरत है। अगला जो कमेंट आया है वो है रविकांत प्रसाद का, वो कहते हैं कि सर जी प्रॉब्लम यह है कि महामारी बीते हुए 6 दिन हो गए, मैंने प्रेगनेंसी टेस्ट के लिए प्रेगा न्यूज किट लाया था और उसी दिन एमसी आ गया, और सर मैंने एमसी में से टेस्ट किया तो गुलाबी कलर का लाइन दिखाई दिया, तो इसका क्या मतलब हुआ सर। इसका मतलब ये हुआ कि प्रेगनेंसी हो चुकी है और वो प्रेगनेंसी मिसगैरेज हो गई है, आप किसी नज़दीकी डॉक्टर पर जाकर के दिखाइए। अगला जो कमेंट है वो है अजीत कुमार का, पूछते हैं कि सर मेरी एक्टोपिक प्रेगनेंसी को 8 महीने हो चुके हैं, मेरे लेफ्ट ट्यूब निकाल चुकी है, तो क्या मैं नेक्स्ट प्रेगनेंसी कब तक प्लान कर सकती हूँ। जी कम से कम आप 1 साल का वेट कीजिए, उसके बाद आप टेस्ट कर सकती हैं, आप प्रेगनेंसी प्लान कर सकती हैं। अगला जो पीरियड है वो है इन्नू शर्मा का, अगला जो कमेंट है वो है इन्नू शर्मा का, पूछते हैं कि मेरे को पीसीओडी की प्रॉब्लम है, अभी कोर्स कर रही हूँ, 3 मंथ्स का कोर्स है, फिर मैं बच्चा कब लगा सकती हूँ। अगर आपको पीसीओडी है तो पीसीओडी में प्रेगनेंसी लगने के कोई भी चांसेस नहीं होते हैं, आप पहले पीसीओडी ठीक कीजिए, उसके बाद में तभी आप प्रेगनेंसी के चांसेस बना सकती हैं। अगला कमेंट है वो है दिव्या अमलिया का, पूछती हैं कि कैसे पता चलेगा कि हार्मोनल चेंजेज हो रहे हैं, क्योंकि बॉडी में कुछ इरिटेशन होती हैं, जब भी कोई हार्मोनल चेंजेज होते हैं तो हमारी बॉडी में एक अजीब सी इरिटेशन होती है, अगर इससे भी पता नहीं चलता है तो आपको टेस्ट करवाने पड़ेंगे। अगला जो कमेंट है वो है भारती चौधरी का, मुझे जानना है कि मेरा 4 अक्टूबर को आया था और 4 नवंबर को नहीं आया है, अगर आपको 4 नवंबर को नहीं आया है तो आप एक बार प्रेगनेंसी टेस्ट करके देख सकती हैं। अगला कमेंट है अजमेरी करिश्मा का,
पूछते हैं कि सर मेरी वाइफ को 20 तारीख को पीरियड हुआ था, इस बाद 28 तारीख को रिलेशन बनाया तो क्या प्रेगनेंसी हो सकती है? जी नहीं, उनको प्रेगनेंसी नहीं हो सकती है। अगला जो कमेंट है वो है जिया वर्मा का, इंटरकोर्स के बाद पीरियड मिस होने के बाद कितने दिनों बाद चेक करना चाहिए? जी आप एक दो दिन बाद ही टेस्ट कर सकती हैं। अगला जो कमेंट है वो है यपी जून का, ये कैसा नाम है भाई यपी जून? सर मैंने पहली किट ली थी, 3 दिन ब्लीडिंग हुई थी, दूसरी किट लिए मैंने सेकंड किट ली तो उसके बाद ब्लीडिंग नहीं हुई है, तो क्या कुछ समझ नहीं आ रहा है? जी आप पहली जब किट ली थी तो उस समय आपकी बॉडी से जो ब्लड निकल गया है तो उसकी वजह से आपकी बॉडी में ब्लड की कमी हो गई है, तो दूसरी किट से ब्लीडिंग नहीं होगी। आपकी जो प्रेगनेंसी टेस्ट आप करके दे सकते हैं वो नेगेटिव आ रहा है या पॉजिटिव आ रहा है। अगला जो कमेंट है वो पूजा जादव का, वो कहती हैं कि पीसीओडी है, एमसी नहीं आ रही है मुझे पीरियड, और मेरी पीरियड की जो डेट है वो 2 से 4 मंथ में आती है। अगर आपको 2 से 4 महीने में पीरियड आ रहा है तो पीसीओडी ही है आपको, आप पीसीओडी की दवा कराइए, ये कोई लाइलाज बीमारी नहीं है, इसका दवाइयों से सॉल्यूशन है। अगला जो कमेंट है वो है राहुल कुमार का, पूछते हैं कि सर मेरी वाइफ को 19 तारीख को एमसी होने के बाद 26 तारीख को रिलेशन बनाए थे, उसके 2 महीने बाद एमसी नहीं आई और फिर एमसी आई है तो कोई तकलीफ वाली बात तो हो सकती है? सर मैंने टेस्ट भी नहीं किया था, बाद में चालू हो गई है तो कोई तकलीफ वाली बात तो नहीं है? अगर आपको एमसी फिर से आ गई है, 2 महीने तक एमसी नहीं आई और फिर एमसी आई है, तो फिर आप एक बार टेस्ट करके देख लीजिए, हो सकता है इनको प्रेगनेंसी हो। अगला जो कमेंट है वो है कंप्यूटर इन्फॉर्मेशन बाय संजय, वो पूछते हैं कि सर मेरी वाइफ का पीरियड पिछली बार 4 अक्टूबर को आया था और इस बार 2 नवंबर को आया है, तो इससे पहले हमेशा पीरियड 1.5 से 3 दिन पहले आ जाता था, 3 डॉक्टर से दवा करवा चुके हैं लेकिन कोई भी फायदा नहीं हुआ है, अंडे फूटने का भी हम लोग जांच करवा चुके हैं, 12वें दिन पर हो अंडा फूट जाता है, डॉक्टर बोली है कि संबंध बनाना फिर नहीं रुका है तो रिपोर्ट जांच करवाइएगा, हम दोनों ने लेकिन बच्चा नहीं हुआ है, शादी को 2020 आएगा तो 5 ईयर्स हो जाएगा। देखिए दोस्त कि अगर आपको अंडा भी आपका फूट रहा है तो आपको ये जरूरत है कि आप अपने स्पर्म जो हैं वो स्टोर करके रखिए, आई थिंक आपका जो स्पर्म काउंट है वो बिल्कुल बॉर्डर लाइन पर है, और अगर वो बॉर्डर लाइन पर है, अगर आप रोजाना रिलेशन बनाओगे तो आपकी जो स्पर्म की जो क्वांटिटी है वो डाउन होगी और उसकी वजह से प्रेगनेंसी की संभावना बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। अगला जो कमेंट है वो है शिल्पा का, पूछती हैं कि सर मुझे पीसीओडी है एंड मैं आयुर्वेदिक मेडिसिन यूज करनी है तो क्या मैं प्रेग्नेंट हो सकती हूँ? अगर आपकी पीसीओडी आयुर्वेदिक दवाइयों से ठीक हो जाती है तो आप प्रेग्नेंस हो सकती हैं। अगला जो कमेंट है वो है सहाना बेगम का, पूछती हैं कि सर अगर किसी की इरेगुलर डेट है तो क्या करें? कभी डेट 28 दिन के बाद, कभी 35 दिन के बाद, कभी 24 दिन के बाद आता है तो फिर पीरियड तो मुझे डेट कैसे पता होगी, उनकी एवोल्यूशन की डेट कैसे पता होगी? अगर आपको जिस दिन पीरियड आता है ठीक उसके 14 दिन पहले आपका ओवुलेशन होता है, यानी कि मान लीजिए कि आपको 15 तारीख को पीरियड आया तो उससे 14 दिन पहले कौन सी डेट थी, उस डेट में आपका ओवुलेशन हुआ था, आप इस तरीके से भी ओवुलेशन का पता लगा सकती हैं। तो ये थे वो सारे कमेंट्स जो आपने मुझसे पूछे थे, इससे सिमिलर कमेंट्स का मैंने जवाब दे दिया है। अगर आपको भी कोई प्रॉब्लम है तो किसी वीडियो के नीचे आप कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि आपका कमेंट पुटअप हो जाए और मैं उस क्वेश्चन का जवाब दूँ। हालांकि जो क्रिटिकल क्वेश्चन होते हैं, जिनकी वाकई कोई प्रॉब्लम होती है, तो मैं उनका जवाब जरूर देता हूं। आपने कोई भी वीडियो देखी हो नहीं देखी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये वीडियो आपको जरूर देखनी चाहिए, और जिसका नाम है हम तो पूछेंगे, एक ऐसा सेगमेंट में लेकर के आया था, इसकी मेरी पहली वीडियो है। आगे आने वाली वीडियो भी लगातार इसमें हम तो पूछेंगे नामक एपिसोड में लगातार आती रहेंगी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपके सवाल का जवाब आई होप मिल गया होगा। मैं मिलता हूं मोनू चौधरी किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए टाटा गुड बाय एंड जय हिंद और लव यू ऑल, बाय।